In 11th science biology, we have started chapter number 5, that is in cell. So in previous lecture, we have studied about the cell, overview of cell, then cell theory, what are the types of cell, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. We have studied in detail about prokaryotic cell, then we have started the detailed study of an eukaryotic cell. So in detailed study of an eukaryotic cell, we have started the various components of eukaryotic cell. So let's continue with the components of a eukaryotic cell. So next component of eukaryotic cell, that is plastids. So today we will learn about the plastid. What is a plastid and in which type of a cell the plastid will form? So generally, where this plastid is found, there is an occurrence of plastid. ये जो प्लास्टिड नाम का जो ऑर्गेनल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? सो जनरली दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल. कौन सा सेल में प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा एज वेल एज यूक्लिनोइड. यूक्लिनोइड इट इज अ टाइप ऑफ एन प्रोटोजोआस. ओके, सो यूक्लिनोइड इज अ टाइप ऑफ एन प्रोटोजोआस जिसमें कि ये प्लास्टिड में वो प्रेजेंट होगा एज वेल एज all the types of plant cell is having a plastids. So generally plastid is also a semi autonomous cell organelle like in mitochondria. In previous lecture we have studied about the mitochondria. So mitochondria is a semi autonomous. Likewise, this chloroplast is also a semi autonomous cell organelle because it possesses its own DNA. Uske paas apna khud ka DNA hota hai, जिसकी वजह से वो अपनी सारी जो एक्टिविटी है वो उसके खुद के कंट्रोल में होती है. बाहर के सेल के कोई एनवायरनमेंट नहीं और बाहर का जो सेल का जो डीएनए है उसके ऊपर उसकी एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं होती है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स. बट दिस सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स दैट इज इन प्लास्टिड इज आल्सो ओनली एंड ओनली फाउंड इन केस ऑफ एन प्लांट सेल एंड यूक्लिनोइड एंड इट इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ एन एनिमल सेल. Whereas mitochondria is found in both the type of cell, plant cell as well as animal cell. Okay, so where this plastid will be found, that is in plant as well as eukaryotic cell. Now, what are the types of plastids? So, on the basis of a pigment which is present inside the plastid, they are divided into mainly three types. Three tarah ke plastid honge on the basis of a type of pigments which is present in the plastid. First one, that is a leucoplast. This is the first one. Leucoplast does not have any kind of a colored pigment. यहाँ पर क्या होगा? Plastid है, उसके अंदर मेनली क्या होते हैं? अपने इसका कलर होता है. It is because of the pigments. लेकिन यहाँ पर ये जो leucoplast है उसके अंदर एक भी pigment present नहीं होगा. इसीलिए उसके अंदर कोई भी उसका अपना खुद का कलर नहीं होगा. इट इज एन कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट इज एन कलरलेस. सो इट इज एन वन टाइप ऑफ एन प्लास्टिक दैट इज एन कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट. तो उसका फंक्शन क्या होगा? उसका ऑब्वियसली कलर नहीं प्रोवाइड करता है तो उसका फंक्शन क्या होगा? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ ए न्यूट्रिएंट. ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ ए न्यूट्रिएंट. कौन कौन से न्यूट्रिएंट है उसको स्टोर करता है उसके आधार पर ल्यूकोप्लास्ट इज ऑफ थ्री टाइप. ल्यूकोप्लास्ट वो तीन तरह का होगा ऑन द बेसिस ऑफ ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इट विल स्टोर. फर्स्ट
ज्यादा देखने को मिलेंगे, दैट इज राइस, व्हीट एंड ऑल्सो पोटेटो. हमें पता है कि राइस, व्हीट एंड पोटेटो है जिसके अंदर ज्यादा स्टार्च होता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टार्च होता है तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए हमें, तो ऑब्वियसली कहाँ पर स्टोर होगा, अमाइलोब्लास्ट के अंदर स्टोर होगा, विच इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोब्लास्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियोब्लास्ट दैट इज इलायोब्लास्ट. इलायोब्लास्ट इज डिस्पर्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ एन ऑयल जिसको हम फैट भी बोलते हैं. सो इट इज डिस्पर्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ एन फैट एज वेल एज ऑयल, एंड दिस टाइप ऑफ एन न्यूक्लियोब्लास्ट इज नोन एज एन इलायोब्लास्ट. सो कौन से ऐसे प्लांट्स होंगे कि जिसके अंदर इलायोब्लास्ट है, या तो वी कैन से ल्यूकोप्लास्ट व्हिच स्टोर द ऑयल एंड फैट विल बी फाउंड. तो ऑब्वियसली ऐसे प्लांट है जो जिसके अंदर ऑयल कंटेंट है वो ज्यादा है. तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कैस्टर है, तो कैस्टर है उसके कैस्टर के जो सीड्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑयल जिसके अंदर ऑयल ज्यादा होता है. तो ये जो कैस्टर सीड है जिसके अंदर ऑयल ज्यादा होता है, जिसके अंदर फैट ज्यादा होता है, तो उसको स्टोर करने के लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चाहिए. तो कहाँ पर स्टोर होगा? ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर होगा, और वो ल्यूकोप्लास्ट फॉर्म क्या होंगे? इलायोब्लास्ट. ओके, नेक्स्ट वन दैट इज एंड्यूरोप्लास्ट. सो इट इज थर्ड टाइप ऑफ एन ल्यूकोप्लास्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ एन प्रोटीन. यहाँ पर देखिए ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगा वो ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलेंगे? एंड्यूरोप्लास्ट बोलेंगे. ओके, तो ऑब्वियसली कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होगा? जिस प्लांट के अंदर प्रोटीन कंटेंट है वो ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर एंड्यूरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होगा. सो यू कैन सी हियर, सॉरी यहां मेज, मेज है जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है वो ज्यादा होता है. ऑब्वियसली मेज के अंदर एक तरह का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्यूरोन सेल. ये जो एंड्यूरोन सेल है, एंड्यूरोन सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट होगा विच विल स्टोर द प्रोटीन, और वो ल्यूकोप्लास्ट को बोलेंगे एंड्यूरोप्लास्ट. ओके, सो मेज के अंदर एंड्यूरोप्लास्ट होगा, कैस्टर सेल के अंदर इलायोप्लास्ट होगा, राइस व्हीट पोटैटो के This type of leucoplast is based on the nutrient it will store. Starch store karega, carbohydrate store karega, then it is called amyloplast. Polyfat fat store karega, elayoplast. Protein store karega, then it is known as an neuroplast. So this is the first type of a plastine, that is a leucoplast. Now second type of plastine, that is a chromoplast. So this one is a chromoplast. Here you can see, as I said, plastine is having a specific colors on the basis of a pigment which is found in plastine. So, dusra jo hai which is known as chromoplast. Chromo, ye jo chromo word hai, uska meaning kya hota hai? Color. Chromo ka matlab kya hota hai? Color. To yahan par dekhte hain chromoplast is having a specific color. It will provide a specific color to a specific cell. जिस भी cell के अंदर ये chromoplast होगा, वो specific cell को क्या करेगा? Color को provide करेगा. तो obviously, generally chromoplast है, उसका color है वो कैसा होगा? Yellow to reddish in color होगा. It is because of the presence of a carotenoid pigment. कौन सा pigment है वो present होगा? Carotenoid है. वो pigment present होगा. And sometimes it also causes xanthophyll. कई बार क्या होगा? Xanthophyll भी present होगा, carotene भी present होगा. So these are pigments. ये क्या है? सभी pigments हैं जिसकी वजह से क्या होगा? उसको color के वो provide होगा. Yellow reddish. Carotene pigment है उसका color होगा yellow to reddish होगा. Xanthophyll है उसका भी somewhat yellow to brownish color होता है. So this specific color is, we can say, because of this pigments which is found in the specific plastine, and that's why it is known as a chromoplast. So best example is orange color of a carrot. ये जो carrot होता है,
उसको बोलते गाजर भी बोल सकते हैं। कैरेट है उसका ऑब्वियसली कैसा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन कैरोटीन, तो भी कैरोटीन है वो पिगमेंट है जिसकी वजह से उसका कलर है वो ऑरेंज होता है। सो इट इज ऑल अबाउट ए क्रोमोप्लास्ट। दिस क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग कलर टू द फ्लावर। हम देखते हैं कि फ्लावर का है अलग अलग कलर होता है, सभी फ्रूट्स का है वो अलग अलग कलर होता है। सो दिस कलर इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन देम, वी कैन से प्लास्टिड, एंड दैट्स व्हाई दिस सेल इज। ऑब्वियसली फ्लावर के सेल का अलग कलर होगा, अलग अलग कलर होगा, फ्रूट है इट इज एन स्पेसिफिक कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट वन दैट इज एन क्लोरोप्लास्ट। So it is a third type of a plastid, that is a chloroplast. So we will study detailed structure and function of the chloroplast. So this is the structure of a chloroplast. Varies from cell to cell. Now next one is
लिपिड से बनी होगी, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन, एंड जनरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन है आउटर एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एन मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर आना है, अंदर से बाहर जाना है, तो कौन इसको रेगुलेट करेगा? दैट इज मोस्टली इट विल रेगुलेट बाय द इनर मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज सेमी परमीएबल इन नेचर, एंड आउटर मेम्ब्रेन वी कैन से इट इज फ्रीली परमीएबल इन नेचर लाइक एन माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी उसका फंक्शन है वो, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज स्ट्रोमा। यहाँ पर देखिए ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो वाटरी सब्सटेंस होगा ये सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा व्हिच इज नोन एज स्ट्रोमा, और वो स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, फिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, देन सोल्ट्स, शुगर्स, मिनरल्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ये सभी मॉलिक्यूल्स है, सभी स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होंगे। और स्ट्रोमा का क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा का मेन काम है, स्ट्रोमा का जो मेन काम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर दैट इज वी कैन से फोटोसिंथेसिस। सो द क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये करता क्या है? आपने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब किसके लिए होता है? फोटोसिंथेसिस स्पेसिफिकली प्लांट के अंदर ही होगा, ऑब्वियसली एनिमल के अंदर नहीं होगा। और स्पेसिफिकली कहाँ पर होता है? टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस है वो होगी। जनरली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर दो रिएक्शन होते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा? दो रिएक्शन। एक तो होगा डार्क रिएक्शन और दूसरा होगा लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन एज वेल एज लाइट रिएक्शन। और ये जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पर होता है? इट इज टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ एन स्ट्रोमा। एज आई वी डिस्कस अबाउट एन स्ट्रोमा, सो द डार्क रिएक्शन ऑफ एन फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो स्ट्रोमा प्लेइंग ए मेन फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। व्हाई इज ओनली वी कैन से फाउंड इन टेकिंग प्लेस इन स्ट्रोमा? बिकॉज वट एवर द एंजाइम्स, वट एवर द कंपोनेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वी कैन से डार्क रिएक्शन इज ओनली फाउंड इन द स्ट्रोमा। जो भी चीज़ की जरूरत होती है डार्क रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, कितने सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, कितने सारे कोएंजाइम्स की जरूरत होती है, कितने सारे कोफैक्टर्स की जरूरत होती है, तो वो सभी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसीलिए ये जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर होगा? स्ट्रोमा के अंदर ही होगा। नेक्स्ट वन दैट इज लाइट रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर होगा? हाइलाकोइड। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज एन हाइलाकोइड। तो यहाँ पर देखिए ये स्टेक पाइल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है स्टेक पाइल लाइक स्ट्रक्चर इज एन वी कैन से बंच ऑफ एन कॉइल। जैसे एक कॉइल होता है, ये देखिए ये क्या है? एक कॉइल है। तो अगर एक ही एंटिटी है तो उसको हम बोलेंगे हाइलाकोइड। उसको क्या बोलेंगे? हाइलाकोइड। एक ही कोइल के जैसा स्ट्रक्चर है देन इट इज नोन एज थायलाकोइड। अगर एक से ज्यादा थायलाकोइड है बंच बना देता है, ये देखिए इस तरह का बंच बना देता है, देन इट इज नोन एज ग्रेनम। क्या बोलेंगे हम उसको? ग्रेनम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक है तो उसको बोलेंगे थायलाकोइड। अगर पूरा एक पूरी स्टैक बना दें यानी कि पूरी एक बंच बना दिया देन इट इज नोन एज ग्रेनम। उसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। ग्रेनम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन थायलाकोइड। और एक से ज्यादा अगर ग्रेनम्स होंगे तो उसको बोलेंगे ग्रेना। क्या बोलेंगे उसको? हम ग्रेना बोलेंगे।
So thylakoid, granum as well as vena. So light reaction is taking place in thylakoid. Why it is only taking place in thylakoid? Light reaction है, तो thylakoid में ये क्यों होता है? क्योंकि thylakoid में क्या present होता है? Chlorophyll pigment होता है. Chlorophyll pigment वो क्या करेगा? Light को capture करेगा. Okay. तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरोफिल जो कि थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है लाइट को कैप्चर करता है ओके और या लाइट को कैप्चर करता है और रिएक्शन को फॉर्म करता है व्हिच इज नोन एज लाइट रिएक्शन व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द फोटोसिंथेसिस. सो पहले क्या होगा लाइट रिएक्शन होगा बाद में क्या होगा डार्क रिएक्शन होगा. यहाँ पर डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट की जरूरत नहीं होती है. ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली लाइट की जरूरत नहीं होगी लेकिन लाइट रिएक्शन है उसमें यहाँ पर क्या होगी लाइट की जरूरत पड़ेगी. पहले लाइट को कैप्चर करना होगा और बाद में ही ये रिएक्शन है वो परफॉर्म हो पाएगा एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ लाइट रिएक्शन. कहाँ पर होगा थायलाकोइड में होगा. इट इज बिकॉज ऑफ ओनली प्रेजेंस ऑफ एन क्लोरोफिल जो कि लाइट को कैप्चर करेगा. ओके सो मेन कंपोनेंट्स of chloroplast that is a stroma as well as thylakoid which perform the function which is known as a photosynthesis. और photosynthesis है उससे क्या होता है photosynthesis है उससे क्या होगा कि food production होगा. it will produce a okay यहाँ पर क्या होगा produce a food in the form of a
generally main function of chloroplast is in photosynthesis. Okay, main function of chloroplast that is in photosynthesis, that is in production of in food, synthesis of in food. Next one, that is in intake of CO2 and release O2. O2 है उसको रिलीज करता है. हमें पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर O2 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं उसके अंदर हमें इसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि कौन सिंथेसाइज करता है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है. और वो जो प्लांट प्रोड्यूस करता है कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो नेक्स्ट फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट इज इनटेक ऑफ CO2, CO2 को अंदर लेगा और O2 को वो रिलीज करेगा. सो नेक्स्ट वन दैट इज प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स. ये जो एज वी स्टडी अबाउट एंड प्लास्टिक, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक है वो क्या करता है, कलर, कोई फ्लावर का कलर होता है, फ्रूट का कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? प्लास्टिक की वजह से होता है. एंड नाउ नेक्स्ट फंक्शन दैट इज इन स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो उसको प्लास्टिक में क्या करके रखेगा, स्टोर करके. सो दिस इज एन ओवरऑल फंक्शन ऑफ प्लास्टिक दैट इज इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोप्लास्ट, देन intake of CO2, release of O2 by chloroplast, provide color to fruits as well as flower by chromoplast, as well as storage of fat, protein, carbohydrate by an leucoplast. So this is overall about plastic, which is generally found in only and only plant cell. It is not found in case of an animal cell. Thank you.